हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे, अगर आपके आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो तो रूल 30 अपनाओ। अब आप ये कहेंगे, सर ये रूल 30 क्या है? रूल 30 बहुत ही सिंपल रूल है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जब आप कभी बाजार जाते हो या मॉल जाते हो तो वहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हो, तो जब आप आवेग में आकर वो चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हो तो आप हमेशा ऐसा करें कि उस चीज़ को खरीदने से पहले 30 दिन का इंतज़ार करें। अगर 30 दिन के बाद में भी अगर आपको लगता है कि उस चीज़ की वास्तविक मुझे आवश्यकता है तो वो चीज़ आप खरीदें। और हाँ, अगर 30 दिन के बाद अगर वो चीज़ आप भूल जाते हैं तो आप वो चीज़ ना खरीदें। यह है रूल 30। रूल 30 एक ये है कि आपको आवेग में आकर कोई चीज़ें खरीदने के लिए रोकता है। ये चीज़ें सिर्फ आपके लग्जरी के लिए हैं या आपके लिए नेसेसरी चीज़ें नहीं हैं। आप चाहो तो इन चीज़ों को खरीदने से बच सकते हो और अपनी सेविंग बढ़ा सकते हो। बड़े बड़े वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि आम आदमी जब कोई अर्निंग करता है, जब कोई नौकरी करता है, जब उसकी इनकम होती है तो 50% इनकम उसकी ज़रूरत की चीज़ें के लिए खर्च हो जाती है। 20% अपनी सैलरी का वो सिर्फ सेविंग करता है और 30% वो उस पर खर्च करता है जो लग्जरी की चीज़ों पे खर्च करता है। आम इंसान हो, नौकरी पैसा इंसान हो, अब वो क्या करता है, या तो कोई रेस्टोरेंट में जाता है, या कहीं घूमने जाता है, या कोई अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता है, या कोई अच्छे अच्छे गैजेट्स खरीदता है जिसकी उसको वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है। वो सिर्फ दिखावे के लिए खरीदता है। अगर वो चाहे तो 30% में से रेशियो कम करके, और अगर वो चाहे तो वो उसकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, वो उनको अपने सेविंग में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि अगर आपकी आमदनी कम है और अगर आप इतनी इनकम नहीं हो पा रही है तो रूल 30 अपनाएं। अगर उसको आपको वास्तविक ज़रूरत होगी तो ही आप वो चीज़ खरीदोगे 30 दिन के बाद, वरना आप चीज़ नहीं खरीदोगे और आप ऑटोमेटिक भूल जाओगे तो वो चीज़ आप कभी नहीं खरीदोगे और वो जो पैसे हैं 30% वाली आपकी इनकम के, वो आपके सेविंग में चले जाएंगे। तो ये रूल्स आप फॉलो करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये रूल्स ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।